कि आपको पता है कि भाई न्यूजीलैंड ट्रैवल करने के दौरान अभी काफी सारे जेन्युइन ट्रैवलर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनसे भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ उनको मिली और वो क्या कमी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रैवल करने से पहले। तो ये काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, कॉमन से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली जिनका मैं आंसर आपको दूंगा और आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है उसके लिए। तो वो क्वेश्चन जैसे कई बंदे पूछते हैं कि भाई जो हमारी डिटेल्स हैं जो हमने एप्लीकेशन में डाली थी वो कैसे पता करें, कैसे चेक करें, तो उसका सोल्यूशन क्या है। दूसरी चीज़ जो आपने डॉक्यूमेंट में आइटनरी में क्या क्या मेंशन किया है वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और जो ट्रैवलर्स ने मुझे बताए। देखो बहुत सारे लोग आपके सामने आके वीडियोस में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, बट उन्होंने भी मुझे बताया कि कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जैसे कि जेन्युइन ट्रैवलर्स को भी जैसे प्रॉब्लम हुई है, किसी को मना करा है और किसी को किसी रीज़न से मना कर दिया, हालांकि उनका इंटेंशन जेन्युइन था, उनको ट्रैवल करना ही था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट इमिग्रेशन के बारे में, न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन कैसा है, क्वेश्चंस वो क्या क्या करते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करनी चाहिए जो जिससे कि आप बच जाओगे, आपको बोर्डिंग डिनाई नहीं करेंगे या फिर आपका इमिग्रेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में क्वेश्चंस क्या करते हैं और किस चीज़ से आपको बचना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन कि जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऑफिसर है, जब आप काउंटर पे जाते हो अपने आपको रिप्रेजेंट करते हो, तो अपने आप को आप रिप्रेजेंट करते हो उनके सामने, आप जाके जो अपने डॉक्यूमेंट देते हो और अपना पासपोर्ट देते हो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपको उनको क्या ग्रीट करना चाहिए, उनको हेलो या हाय हाउ आर यू ऐसे करके, मतलब हाय आप कैसे हो, इस तरीके से आपको उनको ग्रीट करना चाहिए, मतलब उनको बोलना चाहिए जब आप पासपोर्ट देते हैं तो हेलो, या अगर जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, इवनिंग गुड इवनिंग ऐसे करके आप उनको ग्रीट कर सकते हो। तो जो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उस पर ना एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपकी तरफ से। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मतलब आपको बताता नहीं है, ये सबसे कॉमन चीज़ है, ये आप करो। और थोड़ा अपना जो फेस है वो स्माइली फेस रखो कि ऐसे करके जब अपना पासपोर्ट देते हैं हाय सर हाउ आर यू, तो ऐसे करके थोड़ा सा उनको ग्रीट करो, उनको भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और ट्रैवल करने के लिए आए हैं। तो ये एक सिंपल सी है बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन करते क्या है आपसे, सबसे पहले कि वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर ट्रैवल प्लान, या फिर व्हाई यू कम हियर, फॉर हाउ मेनी डेज यू कम हियर, ऐसे करके आपसे पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर ट्रैवल प्लान, कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, व्हाई यू कम टू न्यूजीलैंड, तो आप न्यूजीलैंड क्या करने आए हो, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है। आई कम हियर फॉर ट्रैवलिंग, आंसर इसका आएगा आई कम हियर फॉर ट्रैवलिंग, या फिर आई कम हियर फॉर टूरिस्ट पर्पस, टूरिज्म, या फिर टूरिज्म भी आप बोलोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे करके आप सिंपल में बोलो या फिर आप थोड़ा लॉन्ग बोलो, बट टू द पॉइंट आप उनके जो क्वेश्चन है उसका आंसर करो, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जैसे कि आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर ट्रैवल, वेयर यू विल बी विजिटिंग इन न्यूजीलैंड, या फिर ऑकलैंड कहाँ पे आप विजिट करोगे, कौन कौन से प्लेस आप, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको कहाँ से पता होंगे, आपकी आइटनरी से, जो आइटनरी आपकी आपकी एप्लीकेशन में डली है, ठीक है, या फिर आप कॉमन सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्काई टावर है, या फिर म्यूजियम है, या फिर बॉटनिकल पार्क है, ये वहाँ पे कॉमन है, ये किसी को भी पता है, उन सबको पता है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये भी आप लोगों को उनको आंसर देना आना चाहिए, ये चीज़ आपको बतानी आनी चाहिए। तीसरी चीज़ और से पूछेंगे कि भाई फॉर हाउ मेनी डेज यू कम हियर, इसका मतलब ये है कि आप कितने दिन के लिए यहाँ पे आए हो, राइट। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो कि आपका प्लान है 8 डेज, तो बोलो कि आई कम हियर फॉर 8 डेज, या फिर आप समझ गए हैं हाउ मेनी डेज यू कम हियर, तो आप बोलोगे 8, 10, 12, जो भी है आप इतना बोलोगे तो वो भी चल जाएगा, बट आपको एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए कि वो ऑफिसर आपको क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जब आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि डू यू हैव सुफिशेंट फंड, या फिर डू यू हैव एनफ मनी, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपके पास जो फाइनेंशियल है, जो आपको पैसा है, आपके पास पूरे हैं, काफ़ी हैं आपकी ट्रिप के दौरान,
तो आपको उसमें बोलना है कि जितना भी अमाउंट आपके पास है, येस आई हैव द मनी, या फिर आई हैव माई कार्ड्स इंटरनेशनली एक्टिवेटेड, आई विल बी यूजिंग दोज कार्ड्स वेल माई कम्प्लीट ट्रिप, ऐसे करके आप उनको आंसर कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि आई हैव कैश, आई हैव इनफ मनी विद मी, ये बोल के भी आप काम चला सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस इमिग्रेशन काउंटर पे होते हैं, वो आपको ऐसे आंसर करने हैं कॉन्फिडेंटली, स्माइली फेस के साथ अगर आप करोगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका कोई भी इमिग्रेशन, आप यहाँ पे भी किसी भी कंट्री का क्लियर कर सकते हो बड़े आराम से। हालांकि आपका इंटेंशन जो है जो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब कल जो प्रॉब्लम मेनली ट्रैवलर्स को हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, क्या वो प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम भाई अपने इंडिया में ये है कि जो मोस्टली लोग हैं वो एजेंट की हेल्प लेते हैं, ठीक है, मोस्टली यानी कि 99% लेते हैं। तो उनमें अब आपकी फाइलिंग कैसे हुई है? देखो भाई, जाने से पहले आपका राइट भी बनता है ये कि आप अपने एजेंट से पूछो कि हमारी फाइलिंग कैसे हुई है, क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, क्या आइटनरी बनाई। आइटनरी बहुत ज़रूरी है, अगर होटल बुकिंग लगाई है तो वो भी आप लो। आइटनरी के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आइटनरी आपकी क्या लगी है, किस डेट की लगी है, क्या डेट मेंशन हुई है। ये चीज़ें कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जिन पे उनको डाउट रहता है, मान लो कि जब क्वेश्चन करता है इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे और उसको डाउट लगा कि आपकी बातों से कि भाई मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो वो आपको बोलेंगे कि आप साइड में आ जाओ। साइड में आके आप बुलाएंगे आपको, फिर वो अच्छे से इंटरोगेट करते हैं, वो आपसे पूछते हैं सारी बातें कि भाई कैसे आपने एप्लीकेशन डाली, कहाँ से डाली, क्या आपने एप्लीकेशन में डाला, आउटनरी में आपने क्या डाला, कौन सी डेट आपने ट्रैवल करी, अपने अपने डेट टाइम पे क्यों नहीं ट्रैवल किया। तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसमें तो फिर डिटेल में चले जाते हैं, वो कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक आपका इंटरव्यू लेते हैं, और फाइनली डिसीजन लेने के बाद वो आपको मना भी कर देते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है जब आपको उनको डाउट लगता है, तो आप ऐसा होने ही मत दो। आप उनको अच्छे से ग्रीट करो, स्माइली फेस रखो, कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों का आंसर करो और आप जाओ। लेकिन जाने से पहले इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फाइलिंग हुई है वो सेल्फ रेजिस्टेंट से हुई है या फिर किसी के बिहाफ पे अप्लाई किया गया है, ये भी आप अपने एजेंट से पूछो। आपकी जो आइटनरी है, आइटनरी में क्या क्या इंक्लूड है, वो आप उनसे पूछो। और आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का है, कब आपने उन्होंने उन्होंने डेट जो डाली है वहाँ पे एंटर करने की, वो कौन सी डेट डाली है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जाने से पहले। ये सारी चीज़ें आप, तीसरा जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है, एयरलाइन या फिर जाना कहाँ से है। बहुत सारे बंदे पूछते हैं भाई, बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि कौन सी एयरलाइन बेस्ट है, कौन सा रूट बेस्ट है, कहाँ से हम जाएँ जो प्रॉब्लम ना आए। मतलब ऐसे बता दो कोई कि बिल्कुल प्रॉब्लम ही ना आए हमें, तो लोग ऐसे बोलते हैं भाई इंस्टा पे आके खूब। लेकिन भाई देखो, अब मैं आपको कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। देखो तो अभी देखो, उस न्यूजीलैंड के अंदर जितने भी फ्लाइट्स जाती हैं, जहाँ से भी जाती हैं, वो सब में एयरलाइन को अलर्ट है कि आप क्रॉस चेक करके बंदे को भेजो। तो अब इसमें रूट का क्या रह गया, अब रूट इसमें कौन सा सेफ रह गया, जब सबको अलर्ट गया हुआ है ऑलरेडी कि आप बंदे को क्रॉस चेक करके तब भेजो, तो इसमें अब कहाँ से फिर वो रह गया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि अपना जो अपियरेंस है, मतलब ये हुलिया है जो आपका, वो आप एज ए जो से ट्रैवलर जाते हैं भाई, वो आप सही करो, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। दूसरी चीज़ भाई, वो ये देखते हैं कि बंदे को नॉलेज है कि नहीं है ट्रैवल प्लान के रिगार्डिंग, जब वो ट्रैवल कर ही रहे हैं किसी कंट्री में, किसी भी कंट्री की आप बात कर लो, न्यूजीलैंड की नहीं, किसी की भी, तो क्या उसकी आपको पता है कि भाई क्या करेंसी चलती है वहाँ पे, कौन सी कैपिटल है, कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं, उस कंट्री का वेदर कैसा है। कुछ कॉमन सी चीज़ें जो कोई भी आपसे पूछ सकता है, मान लो कि मैं ही जा रहा हूँ तो मैं ही पूछ सकता हूँ, कोई भी पूछ सकता है। तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। जब आप इतनी बड़ी कंट्री में जा रहे हो, न्यूजीलैंड बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे आप जा रहे हो और वहाँ पे आप कॉमन सी चीज़ें जैसे आपकी आइटनरी में कहाँ कहाँ पे घूमोगे, तो ये चीज़ आपको पता होती हैं। जब आप भाई एक्चुअल में कहीं जाते हो ना, तो इतनी चीज़ तो बंदा सर्च करके देखता है, गूगल पे वीडियोस देखता है, तो इतनी तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रूट कौन सा बढ़िया है भाई, मैंने बताया कि पहले आप अपीयरेंस ठीक करो, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल उसको थोड़ा बूस्टअप करो, और भाई जो आपके ट्रैवल प्लान हो उसके अकॉर्डिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तब आप जाओ, सारे रूट आपके लिए बढ़िया हैं, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ ऐसी भी हो रही है भाई कि कुछ बंदे रिफ्यूज़ल मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज़ प्रॉब्लम करती है भाई। ऐसे इंसिडेंट मैंने आपको शेयर किया है वीडियो में, तो इस चीज़ को आप
ध्यान रखना भाई, अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है तो मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब अगर मान लो कि आप कहीं से, जैसे कि अभी न्यूजीलैंड का आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, न्यूजीलैंड के बगल में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है तो आप मेंशन करो। लेकिन न्यूजीलैंड आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपका किसी साउथ कोरिया का रिफ्यूज़ल है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेंशन नहीं भी करते हैं तो, ठीक है। जो कॉमन सी कंट्रीज़ हैं उनमें आप मेंशन करो। मान लो कि अगर आप यूके का आपका रिफ्यूज़ल है और यूके ही आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेंशन करो, क्यों नहीं मेंशन करो, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है ऑलरेडी, तो आप मेंशन करो, ठीक है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते तो फिर बाद में जैसे जाके वहाँ पर वापस आना पड़ता तो वो एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी भाई जो बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे, तो इनके सबको, आपको पता है कि एक बंदे को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेना, पूरी देख लिया करो, ताकि भाई आपके जो सवालों के जवाब हैं वो वीडियोस में ही मिल जाते हैं, और वो एक के नहीं है भाई, वो बहुत सारे बंदों के सेम सवाल है और उनके जवाब भी सेम ही है। तो यही था भाई आप लोगों के लिए, आपने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, तो होपफुली मेरे हिसाब से इस काफ़ी लोगों के काम आएगी। अपने भाइयों को शेयर जरूर करना सबको, और कैसे क्लियर करना वो आपको पता चल जाएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट।